हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए कुछ मज़ेदार फैक्ट लेके आया हूँ। आप लोग शायद इससे पहले इन सब चीज़ों के बारे में सुना होगा। आप लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग होंगे जो इन सब सवाल के जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं? आप लोगों में से कोई भी कभी जानने की कोशिश की है कि दूध हमेशा सफ़ेद ही क्यों होती है, नीला पीला हरा क्यों नहीं होता? बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्में क्यों सिर्फ शुक्रवार को ही रिलीज़ किया जाता है? आप लोगों को कभी क्या ख्याल आया है कि मच्छर हमेशा हमारे कान और सर के ऊपर क्यों मंडराता रहता है? तो चलिए आज इन सब सवालों के जड़ तक जाते हैं। तो और देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक के बटन का ज़रूर प्रेस कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाए, क्योंकि नॉलेज लेने की कोई उम्र नहीं होती। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली पक्षी शुतुरमुर्ग के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या ये जानते हैं कि शुतुरमुर्ग घोड़े से भी तेज भाग सकता है? और तो और, नर ऑस्ट्रिच शेरों की तरह दहाड़ भी सकता है, जरूरत पड़े तो किसी पर हमला भी कर सकता है। हमारे पेट के अंदर हर 2 सप्ताह के अंदर अंदर उसमें बलगम अर्थात म्यूकस का एक नया परत जन्म होता है। अगर इसका उत्पन्न बंद हो जाए तो ये खुद ही पच जाएगा, है ना डरावने वाला सच? आप लोगों में से कोई क्या बता पाएगा कि मच्छर क्यों कान और सर के आसपास मंडराता रहता है? आप लोग इसके बारे में सोचा तो होगा, लेकिन क्यों आसपास घूमता है ये पता नहीं कर पाए होंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसका बहुत कारण है। मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना, इन सब चीज़ों में रुचि रखता है जो आप लोग निरंतर निकालते रहते हैं, और साथ में बालों में जो तेल लगाते हैं वो भी उन लोगों को बहुत पसंद आता है, इसलिए ये हमारे आसपास घूमते रहते हैं, है ना बहुत मज़ेदार बातें। पानी का सबसे खतरनाक जानवर मगरमच्छ के बारे में तो जानते ही होंगे, एक बार इनके जबड़े में कुछ फंस जाए तो कभी भी छूट नहीं सकते। लेकिन क्या जानते हैं कि मगरमच्छ अपने जीभ को हिला नहीं सकते और तो और चबा भी नहीं सकते? मगरमच्छ का पाचन रस की क्षमता इतनी होती है कि ये एक स्टील की कील को भी पचा सकते हैं। कितना खतरनाक है ये जीव। हमारे बॉडी में 70% पानी भरा पड़ा है, लेकिन यह क्या जानते हैं कि खाने के बिना तो हम लोग 1 महीने तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर 1 हफ्ते तक पानी नहीं पिया जाए तो मौत निश्चित है। जान के आप लोगों को हैरानी होगी कि सिर्फ 1% पानी हमारे शरीर से कम हो जाने पर हम लोगों को प्यास लगती है, और अगर 10% से भी कम हो जाए तो मौत से कोई नहीं बचा सकता। घोड़ा जो होता है वो अपने दिन के 19 घंटे तक खाने खाकर दिन पार कर सकते हैं, और एक हाथी तो एक दिन में 136 kg तक खाना खाने की जरूरत है, नहीं तो ये चल भी नहीं पाएंगे, है ना कितनी वजनदार बात है। दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में ये तो आया ही होगा कि दूध हमेशा सफेद ही क्यों होती है, लाल नीला पीला क्यों नहीं होता है? तो इस सवाल का भी जवाब देता हूँ आज। दूध में 87% पानी होता है और 13% विटामिन, कैल्शियम, मिनरल, फैट होता है, और साथ में दूध में टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, जिसके कारण दूध सफेद होता है। यही है असली कारण दूध सफेद होने का। एक मजेदार बात यह है कि कोई बता सकता है कि फिल्म सिर्फ फ्राइडे को ही क्यों रिलीज किया जाता है? इसका शुरुआत हॉलीवुड से हुआ था। गॉन विद द विंड फिल्म को पहली बार 1939 को रिलीज किया गया था। इसके बाद से धीरे धीरे करके बॉलीवुड में ये प्रथा आने लगा। अब तो हर 10 फिल्मों में से 9 फिल्म फ्राइडे को ही रिलीज होता है। इसका दूसरा कारण भी ये है कि फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे हाफ और छुट्टी होती है, इससे प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को कुछ नए टॉपिक के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ में आपके इस कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय, टेक केयर।